गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बिहार दरोगा की एग्जाम में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। शेष दिनों को आप अगर सही रूप से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा की एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आर्ट्स और साइंस के सभी विषयों के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होता है। दोस्तों, आर्ट्स के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है। इसके साथ ही साथ आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना होगा। दोस्तों, दरोगा का जो सिलेबस है वो शेष दिनों में आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शेष बचा हुआ दिन है उसका सही रूप से उपयोग करना है। दोस्तों, शेष दिन में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स पर अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये चार सब्जेक्ट आपके सफलता के द्वार को खोल सकता है। हिस्ट्री के अंतर्गत मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अधिक योगदान होता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम एंशियंट हिस्ट्री पर बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य वंश, आपका गुप्ता पीरियड, तो ये सब हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री की जहां तक बात करें तो मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मुगल वंश और शिवाजी आपको पढ़ कर जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका में से ये सब चैप्टर से अधिक क्वेश्चन होंगे। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी का जो आगमन हुआ, उनकी आगमन, यूरोपियनों का आगमन, साथ ही आपको यहाँ पर 1857 की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन प्लस संवैधानिक विकास। दोस्तों, संवैधानिक विकास किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें आपका रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक, उसमें भी रेगुलेटिंग एक्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। साथ ही 1919 का एक्ट, 1935 का अधिनियम और 1909 का एक्ट पर अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री आप कंप्लीट कर लेते हैं इतना पढ़कर। दोस्तों, अगला जो मेन सब्जेक्ट है वह ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से अधिकतर क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मान लीजिए दरोगा के एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी का, उसमें से 15 से 17 क्वेश्चन आपका जो पूछेगा इंडियन ज्योग्राफी के से पूछेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी 14-15 चैप्टर्स है, वे सभी चैप्टर्स पर आपका कमांड होना चाहिए। जैसे भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौतिक विभाजन, भारतीय मानसून, भारत की नदियां, भारत की मिट्टी, भारत के वन संसाधन, भारत में खनिज संसाधन, भारत में उद्योग, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत की जनसंख्या, भारतीय कृषि, भारत के परिवहन व्यवस्था, इतना चैप्टर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर्स हम लोग मानते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। साथ ही साथ अक्षांश एवं देशांतर और आपको पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियां दैनिक गति और वार्षिक गति, इसके साथ ही साथ आपको चट्टान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्वत पठार, पहाड़ी, भूकंप और ज्वालामुखी, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, आपको लोकल विंड्स, इसके साथ ही साथ आपको चक्रवात, इतना करके जाना चाहिए कि कौन सी
हवा कहाँ बहती है, जैसे चिनूक, तो चिनूक कहाँ बहती है, फौन कहाँ बहती है, हरमट्टान कहाँ बहती है, उसी तरह से चक्रवात में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है, चीन में उसका क्या नाम है, जापान में उसका क्या नाम है, अमेरिका में उसका क्या नाम है, चक्रवात की उत्पत्ति के कारण, चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, साथ ही चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की क्या दिशा होती है, तो ये सारा चीज आपको क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होगा। अगर हम ओशनोग्राफी में बात करें तो ओशनोग्राफी में आपका क्या है, महासागर का तलीय उच्चावच, उसके साथ ही साथ महासागरीय लवणता, जल धारा और ज्वार भाटा, इतना कर लेते हैं। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ वन लाइनर्स, जैसे कौन सा घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, आपका कौन सा रेगिस्तान कहाँ है, कौन सा माउंटेन्स कहाँ है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, जैसे सर्वोच्च सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यूरोप में कौन सा ज्वालामुखी है, दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, कौन सा सक्रिय है आपका एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, कौन कौन सा वोल्केनोज का एग्जांपल है, तो इस तरह से इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को इजी में आंसर दे सकते हैं। दोस्तों अब हम मेन विषय पर आते हैं, साइंस। तो साइंस में आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो सबसे अधिक ध्यान देना है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में सबसे पहला चीज है विटामिन्स, विटामिन्स का रासायनिक नाम, उसका सोर्स है, कौन सा विटामिन्स की प्राप्ति कहाँ से होता है। उसके बाद आपको बायो में सबसे ज्यादा ध्यान देना है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आपका रक्त का परिवहन, उसके साथ ही साथ रक्त, तो ये सब कुछ प्रमुख चैप्टर्स है। उसके साथ ही साथ बायोलॉजी में आपको जो भी प्रदूषण से रिलेटेड है, प्रदूषण से रिलेटेड और बायोलॉजी के अंतर्गत जो भी आज के समय में कहा जाए कि जैविक आपदाएं, मानव जनित आपदा है या प्राकृतिक आपदा है, उन आपदाओं को आप बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं या ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। दोस्तों फिजिक्स में तो फिजिक्स का जो भी चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स आपको कंप्लीट होना चाहिए, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगला करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स को आपको पढ़ कर जाना चाहिए। उसमें भी क्या है कि करेंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने के करेंट से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछेंगे, अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स होंगे। आपको एक साल के अंदर जो रेस्ट 6 महीने के करेंट अफेयर्स होंगे वो बहुत कम पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पिछले एक वर्ष का करेंट अफेयर्स पढ़ लें। अगर इतना ये 4 सब्जेक्ट पर आप कमांड कर लेते हैं, साथ ही साथ जो 2 रेस्ट सब्जेक्ट बचा पॉलिटिकल साइंस, तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की सामान्यता इसमें 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा बहुत इजी क्वेश्चन होगा। कोई भी विद्यार्थी जो एक सीरियस विद्यार्थी होगा पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड होगा, GDP, GNP, NNP, नेशनल इनकम से रिलेटेड होगा, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगा, करों में सुधार से रिलेटेड होगा, आपका योजना आयोग, नीति आयोग से क्वेश्चन हो सकता है, अभी नीति आयोग से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ बेरोजगारी और गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लुसेंट में विविध दिया हुआ है उस विविध को आपको एक बार देख के जाना चाहिए। जैसे सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन, जो भी विश्व का सबसे पहला, तो वहां जो विविध में दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे, अदर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है, तो वो सभी मैटर्स आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि विविध से 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होगा ही होगा। तो इस तरह से आप अगर ये 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स और साइंस का रिवीजन करके जाते हैं और वहां पर
जो एग्जाम हॉल में 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है उसका सही रूप से आप उपयोग करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होगी। दोस्तों, मेरे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामना कि आप सभी विद्यार्थी एग्जाम क्रैक करें, एग्जाम में सफल हो। जय हिंद।